हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल सुनील टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार सैनी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं प्रागैतिक काल के क्वेश्चन लेके आऊँगा। जितना पढ़ा है उतना क्वेश्चन लेके आऊँगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपको पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितना हो सके उतना पेड़ लगाना और शुद्ध हवा लेना। ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा बढ़ेगी, जितना पेड़ लगाओगे उतना पेड़ लगाना। चलो अपनी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सी जे थॉम्सन किस देश के भूवैज्ञानिक थे? मैं आपको 30 सेकंड का टाइम 3 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसमें आप बताना है। चलो बताओ, अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, डेनमार्क, कौन से देश के भूवैज्ञानिक थे? तो आपने चुना है डी, एंड राइट, डेनमार्क के रहते थे। डेनमार्क के रहने वाले थे ये जी। सेकंड क्वेश्चन, मध्य भाषण काल में पशुपालन से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? जैसे मैंने पढ़ाया था आपको, बताओ 30 सेकंड का टाइम। आपने चुना ए, तो आप राइट हो, बगोर। तीसरा क्वेश्चन, नवपाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास प्राप्त हुए हैं? बताओ। बुर्ज होम। प्रागैतिहासिक काल के किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रचलन था? बताओ चौथा क्वेश्चन का आंसर। चांदाण, बुर्ज होम, आदमगढ़, संगलन कल्लू, बताओ। बुर्ज होम इसका ही आंसर था। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? छिदार छपरा, मेनगढ़, बलिस्तान, नपश, नवासा, गुजरात, संकनन कल्लू, बिहारी, कर्नाटक। एबस है, कौन सा है? इसमें सही नहीं है, बताओ। निवासा गुजरात, इसमें सही नहीं है। नवपाषाण किस छठा क्वेश्चन, नवपाषाण में किस स्थान पर हड्डी के उपकरण मिले हैं? चिंदौर, मेनगढ़, गुपकराल, जाके, बताओ। चंदार। चंदार आपके इसके क्वेश्चन के इनके बाद आपके इन क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। सातवां क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज के मूलतः थे, कौन से थे? बताओ। एक भूवैज्ञानिक, एक पुराना शास्त्री, एक इतिहासकार, एक पुरातत्वविद, कौन से थे? ए, एक भूवैज्ञानिक थे, कलन करते थे 1800 से कुछ।
निम्न में से किस स्थान से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? बताओ। सॉरी भाई, सॉरी दोस्तों, ये कुछ नौ क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। टाइप तो सही हुआ लेकिन थोड़ा ऊपर टाइप हो गया है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को औजार बनाने का प्रयुक्त किया था? पीतल, लोहा, तांबा, जो मैंने आपको बताया था। सह तांबा। दसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान जो अरबी संस्कृति का नहीं है? मेहरगढ़। ये जो अरबी संस्कृति के नहीं है, बाकी तीनों है। ग्यारह, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? पुरापाषाण संस्कृति हैंड से एक्स क्लियर और सिकेर स्केर यर आदि विशिष्ट उपकरणों से आधारित है। मध्य पाषाण काल के प्रयुक्त होने वाला उपकरण बहुत छोटे थे, इसलिए उन्होंने माइक्रो लिथ कहते थे। नवपाषाण काल युग के प्रथम स्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोस नदी आदि स्वरूप 1860 में नैमिषारण्य प्राप्त के द पुरापाषाण काल में मनुष्य के मुख्यतः होमो सेपियंस की जाति थे। बताओ, पढ़ाया था मैंने। क्वेश्चन, क्यों प्रपाषण काल मनुष्य के मुख्य होमोपियंस नहीं जाति के थे? क्योंकि वो जो ज्ञानी आदमी होते थे वही होमोपियंस जाति के होते थे, तो इस काल में थे। निम्न में से पाँच बारह क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान में मध्य पाषाण काल भेड़ बकरी से हड्डियां प्राप्त हुई है? बताओ। आदमगढ़ से भेड़ बकरी की हड्डियों की प्राप्त हुई है, जिसमें आपने बताया था, जिसमें गधे, बकरी, भैंस आदि प्रजातियां पाई जाती थी मध्य पाषाण काल में। चौथा, निम्न से कौन सा कथन सही है? दक्षिण भारत के गुंटूर व कुर्नूल जिले के पुराणवासी कालीन कर्वे कब मिली है? भारत, बताओ। कौन सा चौथा क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है इनमें से? भारत में प्राणवासी काल में मानव अग्नि के प्रयोग में परिचित थे। उत्तर भारत में ताम्रयुक्त युग से पृथक पहचान की जा सकती है, हालांकि दक्षिणी भारत में लोहयुक्त पाषाण युग में तुरंत बाद आरंभ होता है। द कैमूर श्रेणी में मिजोरम जिले में पुराकालीन चित्रशाला मिली है, बताओ कौन सा है? कौन सा सही नहीं है? वी, क्योंकि अग्निशय पर्योचित अग्निशय पुनर्पाषाण काल में नहीं हुए थे, नवपाषाण काल में हुए थे, बताया था मैंने आपको। पुनर्पाषाण काल
15 किस्म। सबसे पहले का मानव सदस्य प्राणी जो भारत ज्ञान परिज्ञान मानव हेमो सेपियंस प्रजाति रूप में भिन्न था, जिसे सामान्य माना जाता है। बताओ है पिते केंथोपस के रूप में सिंथे तो पुरुष के रूप में रूप में होमिनिड के रूप में बताओ। पिथेनकेनथोपिस के रूप में जाना जाते थे। 16 क्वेश्चन। भारतीय के पूर्व मानव किस नाम से जाने जाते थे? क्रोमन्स नियंडर्टल गिरमोंडी मेंडुलिनियम बताओ। और हाँ एक बात और, क्लास पूरे देखना, क्लास को स्किप मत करना और ना क्लास छोड़ के जाना, पूरे देखना। इसमें लास्ट में मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चन जोड़े हैं, अच्छे क्वेश्चन जोड़े हैं, वो आपके कॉम्पिटिशन में बहुत फ़ायदा होगा। वो भी देख के जाना एक बार, वो भी देखना क्वेश्चन। और लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, वो भी देखना, इसके मत करना। चलो अपना क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना 16वां क्वेश्चन, प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? केमनोगोनिस नियंडरथल ग्रीमांडी मेंडलिनियन बताओ। सूची स्थान का नाम सूची संबंध से संबंधित कीजिए। एक सूची सेकंड सूची स्थान नाम और संबंध संस्कृति बतानी आपको कौन सी है। क्या रंगपुर प्रपाषाणक मोहन सोहन सॉरी सोहन सॉरी सॉरी नवपाषाण काल आदि गच्छन नोलूर तीसरे ताम्र पाषाण ब्रुझोम मध्य पाषाण और पांचवी है वहाँ पाषाण कूट कह खे गह गह न, इसमें आपको बताना है। बताओ इनमें से कौन सा सही है। सत्रह क्वेश्चन बताती है बी। 3 ताम्रगानी ब्रुझोम पहला प्रपाषाण सोहन पांचवा महापाषाण कूट और दूसरा ताम्रकाषाण ब्रुझोम। 18 भारत में सबसे पहले किसने पाषाणकालीन सभ्यता पर अनुसंधान प्रारंभ किया? चिज थॉमसन रॉबर्ट ब्रूसवुल संकालिया राखालदास बनर्जी।
जैसे आपको पता है। रोबोट ब्रश फुल फुट ब्रश फुट 19 पुनर्पाषाण काल में उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़, कोल्डी हवा, भीमटका, मेहरगढ़। बताओ। भीम बेटिका। सर भीम बेटिका। 20वां निम्नलिखित किस स्थान से मानुष के स्थिर पंजर प्राप्त हुए हैं? सराय नागर। बी आपने बी चुना है। राइट। 34 क्वेश्चन है और उसके अलावा छोटे मोटे मैंने 34 क्वेश्चन तो है ही है, उसके अलावा मैंने क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, वो भी देख लेना आप। उसमें भी रिपीटेड है थोड़े, दो तीन क्वेश्चन थोड़े। 21वां क्वेश्चन निम्नलिखित स्थान से कृषि प्राचीन साक्ष से प्राप्त हुए हैं? जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे एक दो बार बताया था, मेहनगढ़ जो गेहूँ, बाईसवा क्वेश्चन इसका तो मेरगढ़ हो गया। बाईस भारत के चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताओ, आदमगढ़, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, सरायनागर। बताओ। 22वां का भारत चावल प्राचीन साक्ष कहाँ से प्राप्त हुए बताओ? आदमगढ़, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, सरायनगर। बताओ 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 बताओ। सर कोल्डी हवा। 23वां बताओ, निम्नलिखित में से कौन से प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल बिहार राज्य में स्थित नहीं है? बताओ, चिंदार, औरियप, रोहित, ब्रह्मगिरी। बताओ 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 जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 23वां का द ब्रह्मगिरी। 24वां किस स्थान से प्रागैतिक काल के काल में भैंस का साक्ष्य मिला है? ब्रज, होम, मेहरगढ़, भीमगिरी, भीमबेटिका। चौबीसवां का बै मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चिनोद, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़, अमारी। सर मेहरगढ़। 26वां निम्नलिखित मध्य पाषाण काल पूर्व स्थल में किस स्थल का उत्खनन G.R. शर्मा द्वारा नहीं कराया गया है? बताओ बताओ। भीरबहानपुर।
सराय नगर, राय, महेंद्रमा, दमदमा, बताओ। सभी सौ का ए। थोड़ी पीडीएफ छोटी हो गई, छोटे टाइपिंग हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्खनन स्थल महाराष्ट्र के स्थित नहीं है? सोनगांव, इनामगांव, देमाद, गिलिहू, बताओ। द गिलुड गिलुंड। 29वां सूची वैसे स्थान की सूची सेकंड संस्कृति सुमेध कीजिए। वो सूचियों में के नीचे दिए गए कूट का संबंध प्रयोग सही उत्तर चुनिए। सूची वन स्थल सूची है कि संस्कृति है चोनीमंडो प्रपाषण कांड कुल्ली ताम्रपाषाण कांड अत्रिपक्कम पूर्व हड़प हड़पांग इनाम गाँव मध्य पाषाण कुल ख ग ग ग ग बताओ इसमें कौन सा सही है। तीसवा का बताओ। द चौथा ग है, तीसरा घ है, दूसरा ख है, पहला क है ही है। अट्ठाईसवां क्वेश्चन देखिए अपना। जोरवे संस्कृति में स्थान स्थलों का बड़ा स्थल कौन सा है? देमाबाद, चंदौली, इनामगांव, नेवासा, बताओ 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 जल्दी बताओ, टाइम बहुत तो गए। दामोद। 30वां भीम बेटिया गुफाओं की खोज किसने करी थी? बी एस वाकणकर इसका ये आंसर होगा। अभी लास्ट पीडीएफ है। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से खुदाई पृष्ठ युक्त हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास व संस्कृति विकास का प्रमाण मिला है? बताओ। धोलावीरा, मेहनगढ़, मंदहा, अलादीनो। इकतीस मेहनगढ़। मेहनगढ़। बाद में पुरुष स्तर युग में अधिकांश औजार बने हैं। खेलखड़ी, गोमेद, स्पिटिक के इंद्रा गोमणी के बताओ। 32 का सै। 33 में से ताम संचय संबंधित किसे हैं? चमकीले लाल मुंड भांड से चित्र सुंदर मुंड भांड से गोरिक मुंड भांड से काले और लाल मुंड भांड से बताओ। 33 का द काले और लाल। चौथा 34वां प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्र नाम से प्रसिद्ध है? आहाट, गिलुड, कथा, कायत, महेश्वर, आहाट। ये उनके आंसर
मैंने दे दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, या तो मेरे टेलीग्राम बनाऊँगा या इस पर कमेंट में पिन कर दूँगा। अगर आप चाहते हो पीडीएफ लेना तो इसमें से कमेंट कर देना मेरे को। और इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी दिए मैंने, जैसे कि और क्वेश्चन है, प्रांगस काल का अर्थ वह इतिहास जिसे पुराणात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन, मानव के आ का ज्ञान किस काल में हुआ था, पुरापाषाण काल में, बताया था ना मैंने आपको। पुल उपकरण किस काल से संबंधित है, न्यून पुरापाषाण काल। सोनगढ़ का संबंध किस काल से है, न्यून पुरापाषाण काल से। ये क्वेश्चन आंसर है, और उसमें क्वेश्चन के साथ एम्बेसडर डी भी थे। अगर आपको ऐसे चाहिए तो ऐसे बता देना, सेकेंड वाले, अगर वैसे चाहिए तो वैसे बता देना, जैसे आपको इच्छा अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताने, सर हमें ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। ये थोड़े एडिशनल थोड़े सवाल है, इसके मैं करा देता हूँ आपको। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है, न्यून पुरापाषाण काल से। प्रथम भारतीय प्रवास कलाकृति की खोज हुई थी पलावारम नामक स्थान से, पुरापाषाण काल में मानव था, आंखें टक व खाद्य संग्रह। नवपाषाण काल में मानव था उत्पादक उपभोक्ता। सलकों से बने औजार किस काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से। दसवां, प्रागैतिहासिक काल में स्थित भीमबेटिका से प्राप्त हुए चित्र, इसका आंसर है चित्रकला व साक के साक से। भीमबेटिका कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल लागज में। मानव द्वारा पशुपालन किस काल से प्रारंभ किया गया था, मध्य पाषाण काल से। प्राणी स्तंभगत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, सराय नारव मधा से। मानव का प्रथम पशु पालतू कौन था, कुत्ता, इसका आंसर भी अच्छी कोई बात। मानव किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया था, तांबा का। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई थी, जो 1820 के प्रारंभ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है, मेनगढ़ से। चावल के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कोल्डी हवा से। 19वां ब्रज होम स्थल है नवपाषाण कालीन में। पूरी भारत का प्रथम वह नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, चिनाद। मानव 21वां मानव कुंभकारी किस काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से। ताम्रवती नाम से किस संस्कृति को जाना जाता है, आहन संस्कृति को। और 23वां, हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति कौन सी है, कथाया संस्कृति। ताम्रकालीन इनाम गांव बस्ती किस संस्कृति से संबंधित है, जारवी संस्कृति से। बड़ी संख्या से दफनाए गए बच्चों व सावधान किस संस्कृति से प्राप्त हुए, जारवी संस्कृति से। माइक्रोलिथिन औजार किस काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से। आधुनिक भारत होमो स्पेंसिस का किस काल में हुआ, उत्तर पाषाण काल से। मानव को अग्नि का ज्ञान किस काल में हुआ था, प्रपाषाण काल। मानव को ने अग्नि का प्रयोग करना किस काल में सीखा, नवपाषाण काल में। ज्ञान तो हुआ तो उनको प्रपाषाण काल में, और उनका प्रयोग करना यानी कि भाई ऐसे सीखे उनको नवपाषाण काल में। भारत में एकमात्र मानव सदस्य का भी पाया जाता वह है असम का स्वेतुम्भु ग्रीवन। 31वां, मानव के पूर्व प्रपाषाण काल में अधिकांश औजार बने होते थे पत्थर के। ढक्कन के अंश के ढीले क्या प्रदर्शित करते हैं, नवपाषाण काल के मवेशी रखने वाले बस्ती के अवशेष। 33, सबसे पहले मानव का सदस्य प्राणी जो होमो स्पीशीज प्रजाति के रूप में भिन्न था जाना जाता है, पिथे के नोथपस के रूप में। तामर संचय संबंधित है, गुरुण मानव से ब्लेड से बने औजार किस काल से प्रमुख विशेषता के उत्तर पाषाण विशेषता थे, ब्लेड से बने औजार किस काल से प्रमुख विशेषता थे, उत्तर पाषाण काल। और 36वां क्वेश्चन, सिंगे तालाब तथा 16,000 प्रपात कहाँ स्थित था, राजस्थान में। 37वां, सल्क सिनेदी औजार किस काल से प्रमुख विशेषता, मध्य पाषाण। कपास के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, मेनगढ़ से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, नवमर्दा
नर्मदा घाटी के मध्य प्रदेश। किस युग में चलकोतली युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को। मैनगढ़ के किस किन किन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मैनगढ़ से पाषाण संस्कृति लेकर हड़प्पा संस्कृति तक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 42वां। 9-2 टोली का उत्कलन किससे करवाया था? संकलायन से। 9-2 लोटी किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। 43वां स्मारक या मेंगोलिक थे मृतकों को दफनाने का स्थान। 45वां राग के टीले किस नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं? सगनुकुल तथा पिकली हल से। भारत में किस शिलालेख से सर्वप्रथम चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन मंत्रालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल। भारत में कौन सा स्थल प्रांगतिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। ये थे आज के अपने क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए, और जो जैसा आपको जैसा अच्छा लगे, जैसे अ ब स द जैसे करवाने हैं या वैसे ही, या क्वेश्चन आंसर वैसे बता देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, और कोई अगर कोई मिस्टेक हो गई हो क्वेश्चन टाइप या कोई क्वेश्चन गलत लिखी गया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, वैसे तो नहीं है लेकिन बता देना एक बार, कोई टाइपिंग में गलती हो सकती है। चलो आप भी अपने सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और मास्क पहने, सभी नियमों का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और आपको पर्यावरण की हार्दिक शुभकामनाएं पर्यावरण दिवस की, और सबको बोलें पेड़ लगाएं और पेड़ को कम काटें, जैसे कि अपने राजस्थान, अपना इंडिया, पूरा देश बहुत खुशहाल होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और बाहर जाएं तो मास्क लगा के ज़रूर जाएं, और अपनी बारी आने पे दोनों डोज वैक्सीन दोनों ज़रूर लगाएं। थैंक यू। ओके, आज की हुई अपनी पूरी क्लास। थैंक यू।